क्यों चिल्ला रहे हो तुम? डॉक्टर कहाँ है? इमरजेंसी है। क्या हुआ है? गोली लगी है। पुलिस केस है। वो तो पीछे से आ जाएंगे। ये क्या है? टोकन है, वेट करो। अरे मैं वेट करूं क्या? इधर मेरी जान निकली जा रही है, फ्लाइट वेट कर रही है। अरे रोको से, अरे पांडू रोको, 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 मैं देख लूंगा, चलो। सीवी भी दे दो, वार्ड में शिफ्ट करके ऑब्जर्वेशन में ही रखना। ओके मैम। अरे कुछ भी हो जाए, मम्मी लेडी रोम लक्ष्मी होगा। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, छोड़ो। अरे मम्मी कुछ नहीं होगा, लेडी रोम ना। हे ऊपर वाले, इस वक्त मुझे बैंकॉक में होना चाहिए था और इस घटिया सरकारी अस्पताल में लाकर पटक दिया। थू इस जिंदगी पे। हाय लक्ष्मी। हाय दीदी। रिंगर का पेशेंट कहाँ है? मेरा सपना मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया है। ओके। टेम्परेचर ठीक है, टैबलेट ली ना तुमने? टैबलेट नहीं चाहिए, टॉनिक पीऊंगी दीदी। अगर तुम टैबलेट लोगी तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। प्रॉमिस दीदी। प्रॉमिस। हेलो। अरे बेटा अभी तू कहाँ पर है? माई अभी हम हॉस्पिटल में हैं। हम बाद में फोन करे थे। ठीक बात। भोजपुरिया है? नहीं भोजपुरी। मैं जानता हूँ, बुड़बक बुड़बक। इसे भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन मत समझना। अच्छा अच्छा के होश उड़ा चुकी है ये। अबे तू बीच में आके टांग क्यों उड़ा रहा है? बेटी अगर तू नहीं होती तो मेरे पति का क्या होता? तेरा और हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है और तू हमारे लिए इतना कर रही है। अरे माँ जी, मैंने ऐसा किया ही क्या है? आप मुझसे बहुत बड़ी हैं, आप केवल मुझे आशीर्वाद दीजिए। जीती रहे बिटिया। कौन है ये लोग? रिश्तेदार हैं क्या? बेटी अब हम चलते हो जाएगा। वो लोग? अरे वही लोग नहीं, यहाँ के सारे लोग समझ लो उसके रिश्तेदार हैं। सबकी मदद करती है वो, डिस्काउंट दिलवाती है सबको, क्योंकि वो किसी का दुख नहीं देख सकती। नेक लड़की है वो, दिल से पवित्र है, कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकती। ऐसी लड़कियों को भगवान पैदा करता है, भगवान ग्रेट है। क्या बोला? अरे भाई हम जैसे राक्षसों के बीच वो फरिश्ता बन कर आई है, भगवान ग्रेट है। चल तेरा काम हो गया, निकल। बेटी मैं चाहती हूँ ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। यस डॉक्टर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जब भी ऑपरेशन हो बेटा फोन कर देना हमें। ठीक है आप जाइए, दो तीन दिन में ऑपरेशन हो सकता है, आपको हॉस्पिटल से फोन आएगा। जाने से पहले आप डॉक्टर से मिल लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ बेटा। कैसी हो? बोर हो गई। अबे तू नहीं। उसे आने के लिए बोल। उसके पास मैंने तुम चाकू दिखा रहा है। क्या हुआ है? एनी प्रॉब्लम? नहीं। हाथ दो। बस बीपी थोड़ा ज्यादा है,
तुम्हारी तो बस माइनर सर्जरी है ना, सो डोंट वरी। देखो ये दोनों अभी ले लेना और ये दोनों लंच के बाद, ठीक है? नो, ये खाने के बाद, ये अभी। वो नहीं, ये खाना है। अरे भैया आप भी ना, ये बोला था लेने के लिए। बात को समझा करो, अगर ऐसा ही है तो उसे बुलाकर पूछ लो। आप मेरे भाई के पास आइए, आप जब तक नहीं आएंगे वो दवा नहीं खाएगा। ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना, तो मैं कंफ्यूज हो गया था। ठीक है। भैया वो जरा उस लड़की को बुलाओ ना। ए, वो नीचे गई होगी। क्या बताऊं भैया, बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, देखो कहीं टाके खुल तो नहीं गए। प्लीज भैया, बात को समझो भैया। मेरे भाई को बहुत दर्द हो रहा है, वो जहां पर टांके लगे हैं। देखो स्टिचेस नए हैं ना, तो थोड़ा सा दर्द रहेगा, नथिंग टू वरी। ओके, भैया भैया एक बार बुला कर लाओ ना। तेरी तबीयत खराब है इसलिए यहां पर हूं, तेरा रोमांस देखने के लिए मैं यहां पर नहीं आया। अब तू यहां अकेला रह, मैं जा रहा हूं। भैया, अरे भैया, अब जब आप जा ही रहे हो तो उसे एक बार बोल कर जाओ ना। बेड नंबर 35 की फाइल तैयार करो, आज इसका डिस्चार्ज। ठीक है। हाँ? अरे आप यहाँ कैसे आ गए, ऐसे घूम नहीं सकते। अरे वो डॉक्टर ने बोला था ना ऑब्जर्वेशन में रहने के लिए। बाबू, डॉक्टर ने हमको तुम पर नजर रखने के लिए बोला था, तुमको हम पर नहीं। बाबू, तुम हाथों से लूले हो, पैरों से नहीं हो। तेरी तो ऐसी की तैसी। तुम्हारा भाई कहाँ पर है? उसे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया, वो आ जाएगा डॉक्टर। मुझे डॉक्टर मत बुलाओ, मैं सिस्टर हूँ। नो! क्या हुआ? वो तो आप दुनिया के लिए हो, मेरे लिए तो हार्ट बीट हो। मतलब हार्ट बीट चेक करने वाली डॉक्टर। डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लगता है। डॉक्टर आपका नाम क्या है? टेक रेस्ट। डॉक्टर बीपी चेक कीजिए ना, क्योंकि बहुत टाइम बीत गया है ना। कोई जरूरत नहीं है, टैबलेट्स दी है ना। बहुत पसीना आ रहा है, उस बैग में नैपकिन है, जरा देंगी प्लीज? डॉक्टर देखो, डॉक्टर के राउंड का टाइम हो गया है, तो मुझे जाना होगा प्लीज। डॉक्टर, डॉक्टर हॉस्पिटल में ही तूने पार्टी रख ली यार, चल अब बोतल खोल। व्हाट अ लड़की यार, माइंड ब्लोइंग। सच कहूं तो ऐसी लड़की मेरी लाइफ में आएगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तो इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है, इतनी कमाल की लड़की है क्या? अरे मैंने तो उसे देखा ही नहीं। अच्छा, भगवान को देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा। दोस्तों तुम लोगों ने देखा नहीं ना, मदर टेरेसा जैसा अच्छापन, एंजेलिना जॉली जैसी खूबसूरती। तू कुछ ज्यादा ओवर नहीं कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, पागल हो गया। जब कोई अपनी लव स्टोरी सुनाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत ओवर कर रहा है, लेकिन अब जब मैं खुद बोल रहा हूँ तो उस लवर की फीलिंग को मैं फील कर रहा हूँ यार। कहाँ गया यार ये? रात भर चिल्ला चिल्ला कर इधर उधर भागता रहा, किसी को सोने नहीं दिया इसने। अरे बेटी इसको यहाँ से किसी तरह लेकर जाओ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। ए, उठो उठो। डार्लिंग। कौन डार्लिंग? पहले तुम खड़े हो,
ये सब क्या है? ये किसने किया? क्या हुआ? सब कुछ तुमने किया है। बाप रे बाप, लगता है रात में कुछ ज्यादा ही हो गई थी। क्या बोला तुमने? देखो, तुमने कोई गलत दवा पिला दी होगी, उसकी वजह से ये सब हुआ है। चलो आओ डॉक्टर, मेरा बीपी चेक कर लो। आपकी टेंशन में मेरा बीपी बढ़ रहा है। हेलो, तुम डिस्चार्ज हो चुके हो, अब जाओ यहाँ से। डिस्चार्ज ऐसे कैसे दे सकते हो? यू आर नॉट माय हेडेक एनीमोर। अरे अरे अरे, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? प्लीज डॉक्टर, अगर मैं बाहर चला गया और मुझे कुछ हो गया तो हु इज रिस्पांसिबल? टेल मी योर ऑनर। मेरी रिस्पांसिबिलिटी यही तक की थी। एक डॉक्टर होने के नाते आपकी रिस्पांसिबिलिटी खत्म हो सकती है, लेकिन रिस्पांसिबल लवर की नहीं, एक पेशेंट की। आपको ऑब्जर्वेशन में रखना ही होगा। चॉकलेट दिया क्या? ये लोग ना ऐसे ही हैं, देंगे नहीं। तुम मुझे देखो, मैं इसे देखता हूं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सात कदम पूरे हो गए हैं। सात जन्मों तक हमको कोई जुदा नहीं कर सकता। अगर फिर से ये इस कंपाउंड में नजर आए ना, तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी।